तो आज हम आपको देखने वाले हैं दुनिया के टॉप 7 खूबसूरत जगह के बारे में। आइए चलते हैं, देखते हैं वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। अनोखी इमारतें और बिल्डिंग के निर्माण में चीन का कोई जवाब नहीं है। चीन के बीजिंग के पास एक पहाड़ी के किनारे पर लटकता हुआ कांच का प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि लोग जिंगडोंग जंगल की खूबसूरती को देख सकें। ये देखने में काफी खतरनाक और रोमांचक से भरा हुआ लगता है। यह जमीन से 1300 फीट की ऊंचाई पर है। इस प्लेटफॉर्म से जंगल का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है जो लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र है। यह दुनिया का सबसे लंबा कांच का बना हुआ प्लेटफॉर्म है जो किनारे से 107 फीट तक बाहर निकला हुआ है। इसे सुरक्षित बनाने के लिए पहली बार टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है। टाइटेनियम बहुत हल्का होता है और अन्य धातुओं से ज्यादा टिकाऊ होता है। पेरू की घाटी में चट्टान से लटके हुए यह 3 कांच के कैप्सूल देखने में काफी आकर्षक लगते हैं। लेकिन आपको बता दें, यह एक होटल है और यहाँ रहना उन्हीं के लिए सही है जो खतरों से खेलते हुए जीना चाहते हैं। मजबूत एल्यूमिनियम और पॉलीकार्बोनेट से बने यह कैप्सूल 25 फीट लंबे और 8 फीट ऊंचे हैं। यह एक आरामदायक कमरे की तरह है। इसमें अलग से बाथरूम की सुविधा भी होती है। इन होटलों में एडवेंचर पसंद लोग ही आकर रुकते हैं। इस होटल में रात बिताना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको 400 फीट की चढ़ाई करनी होगी। यहाँ पर एक रात रुकने की कीमत करीबन 20,000 रुपए है। ये होटल अपनी इस खासियत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। स्काई डेक शिकागो, जो कि अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची इमारत में स्थित है। विनीस टावर नाम की यह इमारत के 103वीं मंजिल पर बनी एक व्यूज प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसे स्काई डेक कहते हैं। कांच से बनी यह बालकनी जैसा प्लेटफॉर्म 5 टन वजन को झेल सकता है। 1353 फीट की ऊंचाई पर मौजूद यह प्लेटफॉर्म से पूरे शिकागो का नजारा देखा जा सकता है। यह इतना चौड़ा है कि इस पर एक बार में 5 लोग आ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए कांच का प्रयोग कई लेयरों में किया गया है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आपके लिए चीन के तियानमेन माउंटेन पार्क से दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता। यह पार्क झेंगजियाजी में मौजूद है जहां 4700 फीट की ऊंचाई पर बना शीशे का स्काई वॉक न सिर्फ आपको रोमांच से भर देगा बल्कि अपने साहस को परखने का मौका भी देगा। सीधी चट्टान के बीच बना कांच का यह पारदर्शी रास्ता तकरीबन 200 फीट लंबा है। इस कांच के रास्ते की चौड़ाई 3 फीट है। दुनिया के कोने कोने से लोग इस स्काई वॉक के जरिए यहाँ की खूबसूरती को देखने आते हैं। यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट को स्काई वॉक पर चलने से पहले अपने जूते उतारने होते हैं और एक खास तरह के स्लीपर पहनकर आप इस पे चल सकते हैं ताकि कांच का यह रास्ता साफ और पारदर्शी बना रहे। हालांकि बहुत कम टूरिस्ट ही इस स्काई वॉक पर चलने की हिम्मत जुटा पाते हैं। यहाँ से तियानमेन माउंटेन पार्क का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। दुबई में स्थित कायन टावर ऊपर से नीचे तक ट्विस्टेड है। इस अद्भुत इमारत को पहली बार देखने पर लग सकता है आपकी आंखों का भ्रम है, लेकिन इस इमारत को इसी तरह बनाया गया है। इसे बनाने में $272 मिलियन का खर्च हुआ है। 300 मीटर से ऊंची इस इमारत में इंजीनियर का नयाब देखने को मिलता है। इंटरकॉन्टिनेंटल दुबई फेस्टिवल सिटी होटल में एक अनोखा स्विमिंग पूल बनाया गया है। 36 मंजिले की लग्जरी होटल की छत पर बना सुपर लग्जरी स्विमिंग पूल सामने की दीवार पर बनाया गया है जो कि आसमान में झूलता हुआ दिखाई देता है। यह दीवार काफी मजबूत शीशे की बनी हुई है जिसके अंदर से दुबई का अनोखा नजारा देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप स्विमिंग करके आप दुबई की गगनचुंबी इमारतों का नजारा ले सकते हैं जिसमें बुर्ज खलीफा भी शामिल है। दुबई फेस्टिवल सिटी में आने वाले लोगों का एक मुख्य आकर्षण ये कांच का स्विमिंग पूल भी रहता है।
चीन अपने हैरतअंगेज कामों के कारण हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। चीन ने हुनान प्रांत में दुनिया का सबसे लंबा और ऊंचा कांच का पुल बनाया है। ग्लास बॉटम से बने इस पुल को दो पहाड़ियों के बीच बनाया गया है। इस कांच की मजबूती को जांचने के लिए कम से कम 20 लोगों ने इस पर हथौड़े से वार किया, पर इस पर कुछ निशान तो पड़े, लेकिन इसके अलावा इसकी मजबूती को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सुरक्षा परीक्षण के लिए चीनी अधिकारियों ने इस पर 2 टन वजन के ट्रक को चलाया और यह परीक्षण भी सफल रहा। इस ब्रिज पर चलने से इसकी गहराई साफ दिखाई देती है। इस पुल की ऊंचाई जमीन से 300 मीटर की है और कुछ लोग तो इस पुल पर चलने से कतराते हैं। इस पुल पर टेम्पर्ड ग्लास के कुल 99 टुकड़े लगाए गए हैं। यह ब्रिज वाकई में अद्भुत है।